फिर से मैं आप सबको एक बार नमस्कार करता हूं। कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे भारत सरकार में हमारे खेल मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, सभी खिलाड़ी साथियों, सारे कोचिज और विशेष रूप से अभिभावक, आपके माता पिता, आप सभी से बात करके मेरा विश्वास बढ़ गया है कि इस बार पैरालंपिक गेम्स में भी भारत नया इतिहास बनाने जा रहा है। मैं अपने सभी खिलाड़ियों को और सभी कोचेज को आपकी सफलता के लिए, देश की जीत के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपका आत्मबल, कुछ हासिल करके दिखाने की आपकी इच्छा शक्ति मैं देख रहा हूं असीम है। आप सभी के परिश्रम का ही परिणाम है कि आज पैरालंपिक में सबसे बड़ी संख्या में भारत के एथलीट जा रहे हैं। आप लोग बता रहे थे कि कोरोना महामारी ने भी आपकी मुश्किलों को जरूर बढ़ाया, लेकिन आपने कभी भी इस क्रम को टूटने नहीं दिया। आपने उसको भी ओवरकम करने के लिए जो भी आवश्यक था उसको भी कर लिया। आपने अपना मनोबल कम नहीं होने दिया, अपनी प्रैक्टिस को रुकने नहीं दिया, और यही तो सच्ची स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। हर हालत में वो यही हमें सिखाती है, यस वी विल डू इट, वी कैन डू इट, और आप अपने सपने करके दिखाया भी है, सब ने करके दिखाया है। साथियों, आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं क्योंकि आप असली चैंपियन हैं। जिंदगी के खेल में आपने संकटों को हराया है, जिंदगी के खेल में आप जीत चुके हैं, चैंपियन है। एक खिलाड़ी के रूप में आपके लिए आपकी जीत, आपका मेडल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि नई सोच का भारत आज अपने खिलाड़ियों पर मेडल का दबाव नहीं बनाता है। आपको बस अपना 100% देना है, पूरी लगन के साथ, कोई भी मानसिक बोझ के बिना, सामने कितना मजबूत खिलाड़ी है इसकी चिंता किए बिना। बस हमेशा याद रखिए और इसी विश्वास के साथ मैदान पर अपनी मेहनत करनी है। मैं जब नया नया प्रधानमंत्री बना तो दुनिया के लोगों से मिलता था, अब वो तो ऊंचाई में भी हमसे ज्यादा होते हैं, उन देशों का रुतबा भी बड़ा होता है, मेरा भी बैकग्राउंड आपके जैसा ही था, और देश में भी लोग शंका करते थे कि मोदी जी को दुनिया का तो कुछ पता नहीं है, प्रधानमंत्री बन गए क्या करेंगे। लेकिन मैं जब दुनिया के लीडरों से हाथ मिलाता था तो मैं कभी ये नहीं सोचता था कि नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहा है, मैं यही सोचता था कि 100 करोड़ से भी बड़ी आबादी वाला देश हाथ मिला रहा है, मेरे पीछे 100 करोड़ से ज़्यादा देशवासी खड़े हैं, ये भाव रहता था, और उसके कारण मुझे कभी भी मेरे कॉन्फिडेंस को समस्या नहीं आती थी। मैं देख रहा हूं आपके अंदर तो जिंदगी को जीतने का कॉन्फिडेंस भी है और गेम जीतना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। मेडल तो मेहनत से अपने आप आने ही वाले हैं, आपने देखा ही है ओलंपिक्स में हमारे कुछ खिलाड़ी जीते तो कुछ चूके भी, लेकिन देश सबके साथ मजबूती से खड़ा था, सबके लिए चीयर कर रहा था। साथियों, एक खिलाड़ी के तौर पर आप ये बखूबी जानते हैं कि मैदान में जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है उतनी ही मेंटल स्ट्रेंथ भी मायने रखती है। आप लोग तो विशेष रूप से ऐसी परिस्थितियों से निकल करके आगे बढ़े हैं जहां मेंटल स्ट्रेंथ से ही इतना कुछ मुमकिन हुआ है, इसलिए आज देश अपने खिलाड़ियों के लिए इन सभी बातों का ध्यान रख रहा है। खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स
साइकोलॉजी, उस पर वर्कशॉप और सेमिनार्स, इसकी व्यवस्था लगातार करते रहे हैं। हमारे ज्यादातर खिलाड़ी छोटे शहरों, कस्बों और गांवों से आते हैं, इसलिए एक्सपोजर की कमी भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है। नई जगह, नए लोग, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, कई बार ये चुनौतियां ही हमारा मनोबल कम कर देती हैं। इसलिए ये तय किया गया कि इस दिशा में भी हमारे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि टोक्यो पैरालंपिक को ध्यान में रखते हुए जो 3 सेशंस आपने ज्वाइन किए, इनसे आपको काफी मदद मिली होगी। साथियों, हमारे छोटे छोटे गांवों में, दूर सुदूर क्षेत्रों में कितनी अद्भुत प्रतिभा भरी पड़ी है, कितना आत्मविश्वास है। आज मैं आप सबको देख करके कह सकता हूं कि मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। कई बार आपको भी लगता होगा कि आपको जो संसाधन सुविधा मिली, ये न मिली होती तो आपके सपनों का क्या होता। यही चिंता हमें देश के दूसरे लाखों युवाओं के बारे में भी करनी है। ऐसे कितने ही युवा हैं जिनके भीतर कितने ही मेडल लाने की योग्यता है। आज देश उन तक खुद पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज देश के 250 से ज्यादा जिलों में 307 खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए गए हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर ही प्रतिभाओं की पहचान हो, उन्हें मौका मिले। आने वाले दिनों में इन सेंटर्स की संख्या बढ़ाकर 1000 तक की जाएगी। इसी तरह हमारे खिलाड़ियों के सामने एक और चुनौती संसाधनों की भी होती थी। आप खेलने जाते थे तो अच्छे ग्राउंड, अच्छे उपकरण नहीं होते थे। इसका भी असर खिलाड़ी के मनोबल पर पड़ता था। वो खुद को दूसरे देशों के खिलाड़ियों से कमतर समझने लग जाता था। लेकिन आज देश में स्पोर्ट्स से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार किया जा रहा है। देश ने खुले मन से अपने हरेक खिलाड़ी की पूरी मदद कर रहा है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसके जरिए भी देश ने खिलाड़ियों को जरूरी व्यवस्थाएं दी, लक्ष्य निर्धारित किए, उसका परिणाम आज हमारे सामने है। साथियों, खेलों में अगर देश को शीर्ष तक पहुंचना है तो हमें उस पुराने डर को मन से निकालना होगा जो पुरानी पीढ़ी के मन में बैठ गया था। किसी बच्चे का अगर खेल में ज्यादा मन लगता तो घर वालों को चिंता हो जाती थी कि आगे क्या करेगा, क्योंकि 1-2 खेलों को छोड़कर खेल हमारे लिए सफलता या कैरियर का पैमाना ही नहीं रह गए। इस मानसिकता को, असुरक्षा की भावना को तोड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथियों, भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को विकसित करने के लिए हमें अपने तौर तरीकों को लगातार सुधारते रहना होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय खेलों के साथ साथ पारंपरिक भारतीय खेलों को भी नई पहचान दी जा रही है। युवाओं को अवसर देने के लिए, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट देने के लिए मणिपुर के इम्फाल में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी खोली गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी पढ़ाई के साथ साथ खेलों को बराबर प्राथमिकता दी गई है। आज देश खुद आगे आकर खेलो इंडिया अभियान चला रहा है। साथियों, आप किसी भी स्पोर्ट से जुड़े हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी मजबूत करते हैं। आप किस राज्य से हैं, किस क्षेत्र हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, इन सब से ऊपर आप आज टीम इंडिया है। ये स्पिरिट हमारे समाज के हर क्षेत्र में होनी चाहिए, हर स्तर पर दिखनी चाहिए। सामाजिक बराबरी के इस अभियान में, आत्मनिर्भर भारत में, मेरे दिव्यांग भाई बहन
देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण भागीदार हैं। आपने साबित किया है कि शारीरिक कठिनाई से जीवन रुक नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप सभी के लिए, देशवासियों के लिए, खास करके नई पीढ़ी के लिए आप सब बहुत बड़ी प्रेरणा भी हैं। साथियों, पहले दिव्यांग जनों के लिए सुविधा देने को लेकर वेलफेयर समझा जाता था, लेकिन आज देश इसे अपना दायित्व मानकर काम कर रहा है। इसलिए देश की संसद ने द राइट्स फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट जैसा कानून बनाया, दिव्यांग जनों के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा दी। सुगम्य भारत अभियान इसका एक और बड़ा उदाहरण है। आज सैकड़ों सरकारी बिल्डिंग्स, सैकड़ों रेलवे स्टेशन, हजारों ट्रेन कोच, दर्जनों डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांग जनों के लिए सुगम बनाया जा चुका है। इंडियन साइन लैंग्वेज की स्टैंडर्ड डिक्शनरी बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। एनसीईआरटी की किताबों को भी साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा है। इस तरह के प्रयासों से कितने ही लोगों का जीवन बदल रहा है, कितनी ही प्रतिभाओं को देश के लिए कुछ करने का भरोसा मिल रहा है। साथियों, देश जब प्रयास करता है तो उसके सुनहरे परिणाम भी हमें तेजी से मिलते हैं। तो हमें और बड़ा सोचने की और नए की प्रेरणा भी उसी में से मिलती है। हमारी एक सफलता हमारे कई और नए लक्ष्यों के लिए हमारा रास्ता साफ कर देती है। इसलिए जब आप तिरंगा लेकर टोक्यो में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे तो केवल मेडल ही नहीं जीतेंगे, बल्कि भारत के संकल्पों को भी आप कई दूर तक ले जाने वाले हैं, उसको एक नई ऊर्जा देने वाले हैं, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके ये हौसले, आपका ये जोश टोक्यो में नए कीर्तिमान गढ़ेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।